गए हम लोग नया ब्लॉग लेके। भाई तौसिफ तू भी आ साथ में मेरे। और हम लोग कोरबा छोड़ने से पहले जा रहे हैं एक हमारी लास्ट ट्रिप मारने, जो एक लोकेशन हमारी अनएक्सप्लोर्ड रह गई थी। क्या नाम है भाई तौसिफ जगह का बताओ? दमाऊ धारा, जो कि रोड की हालत थोड़ी सी ख़राब है, कि मेरी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी है तो चल रहा है काम। तो चलो चलते हैं। अबे मुंह के चलो चलते हैं और करते हैं एक्सप्लोर इस जगह को भी। गाइस हम आ चुके हैं इसके नए ब्लॉग पे और आज हम जा रहे हैं दमाऊ धारा। और ये दमाऊ धारा लेके जा रहे हैं हमारी 2008 मॉडल रेट्रो वर्जन। यहाँ से हमारी एक गाड़ी है रिट्स, जो है 2008 किलोमीटर और दिखा रहे हैं, 10 किलोमीटर का माइलेज देती है। हमारे पास एमजी एफ्टर भी है। तो 25 गायों को पार करते हुए हम लोग सक्सेसफुली आ गए हैं दमाऊ धारा के पास। और हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति दिख रही है मुझे यहाँ से। ये रही मूर्ति। अगर कैश तो आया नहीं तुम लोग। एक्सेलरेशन चालू हो चुका है बिना पानी बिना खाने के। और हम लोग तो बेयर ग्रिल्स वाले भी नहीं है भाई। तुमको पता है बेयर ग्रिल्स फेक था? थक गए, मैं नहीं चल पाऊंगा। अबे पानी ही नहीं है अपने पास। तू समझ रहा है कि पानी नहीं है? मैं रोज़ रखता हूँ, मेरे को समझना पड़ेगा। तो आ जाते हैं तेरे को। आंटी को ऐसा है कुछ दमाऊ धारा का सीन यहाँ से। और 300 सीढ़ी चढ़ के आए हैं। बहुत दिनों बाद इतना मेहनत करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है अंदर से। और एक दादी भी चढ़ रही थी हमारे साथ, तो उनका विल पावर देख के हमको भी थोड़ा सा पावर आया। तो हम लोग पहुँच गए और अभी धीरज तौसिफ और प्रभात गए अंदर मंदिर, हम लोग भी जा रहे हैं वहीं। चलो आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। तो नहाने का सपना लेके आए थे तौसिफ, अब कमर में भरोजिया बांध के जाना पड़ रहा है। पूछना भाई साकिब कैसे, पूछ रहा हूँ रुक मैं यार। बाकी 300 सीढ़ी चढ़ना इज वर्थ इट, ये मैं आप लोग को बता देता हूँ। ऊपर एक मंदिर भी है भाई। फोन नहीं लगा, वही मैं सोच रहा था भाई आंटी क्यों चढ़ रही हैं इतना ऊपर इतने मोटिवेशन के साथ, सीन के चढ़ नहीं रही होंगी। ऊपर देख रहा हूँ मंदिर में भजन गा रहे हैं। फोन नहीं लग रहा भाई, नेटवर्क की कमी है यहाँ पे। आ जा भाई, ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली। हाँ भाइयों, अपना ड्यू निकल चुका है। आगे की कहानी मैं आपको बाद में बताता हूँ, बट ड्यू तो निकल चुका है। प्रभात बहुत जल्दी जल्दी नीचे उतरते हुए। आज समझ में आया कुछ कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए ज़िंदगी में, जैसे कि समझना तो समझ जाएंगे। तो बहुत ऊपर से उतर के नीचे तक आ गए हैं। और करीब
इतना ऊपर से चढ़ के आए, ये देखो का टूर सक्सेसफुल हुआ। थोड़ा आपको मैं थका थका लग रहा हूँ, लेकिन धीरज को देख के लगेगा कि मैं थोड़ा कम थका हूँ। भाई मैं पूरा एनर्जेटिक हूँ, पूरा भाई। चलो बता ना, एक साल से बाकी मज़ा आया यहाँ पे बहुत। तो आप भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ आइए, मत करिए बंद। फोटो खींच रहा हूँ भाई, फोटो छोड़, रास्ता कहाँ से ये बता। झरना की आवाज़ आती है पर झरना नहीं, फोटो खींचा देते। अरे रुकने, झरने की आवाज़ आ रही है पर झरना नहीं दिख रहा है। अगर किसी को झरना मिलता है तो हमको जरूर फोटो खींच के भेजिएगा। देखिए यहाँ से आवाज़ आ रही है, सुनाई दे रहे मान रहा हूँ तेरे को चाहिए, लेकिन ये सब तो मत कर कम से कम। अब मंदिर भी है, निर्मला घाट निर्माण, और एक यहाँ पे एक मूर्ति को पता नहीं किसने यहाँ पे तोड़ दिया। बहुत गलत बात है, इसलिए हमारा देश आगे नहीं बढ़ रहा है। अरे प्रभात प्रसाद, ये एक प्राचीन मंदिर, टॉवेल लेके आया था बेचारा, लेकिन थोड़ा सा रह गया नहाने से। और यहाँ मस्त आलू गुंडे मिलते हैं, सोच रहे हैं। पहली बार बिना कुछ पे किए प्रमोशन कर रहा हूँ। आंटी के यहाँ से जरूर आलू गुंडा और बड़ा खाइएगा, इससे ज़्यादा टेस्टी बड़ा मैंने आज तक नहीं खाया। आंटी भी थोड़ी क्यूट सी हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रॉपर छत्तीसगढ़िया लोग हैं हम लोग। अभी तो गरम गरम आलू गंडे आ गए हैं, धीरज अग्रवाल इंजॉय करते हुए। गरम नहीं है, गरम नहीं है क्या? बट और तौसीफ इधर, इधर नींबू चटनी, नींबू की चटनी, नींबू बोलती बोली है, नींबू रसन। अरे बाप रे, नींबू की चटनी कुछ इस तरह से पैक की करके दी जाती है यहाँ पे। एक मिनट रुक जा, मंडक नहीं है आज। बाकी प्रभात कैसा टेस्ट है? तो सिर्फ नींबू चटनी का कैसा टेस्ट है? बेहतरीन टेस्ट तो अच्छा रहता है ना, लहसुन मिर्च नींबू डाल दो। दो भाई ब्लॉग बनाते बनाते ख़त्म ना हो जाए। तो बजरंग बली की जय बोलें सब एक बार कमेंट में। ऐसा ठीक नहीं आ रही है, अरे थोड़ा जूम कर रहे हैं। प्रभात के हाथ से छीन के लेके चले गए। दमाऊ धारा भी हमने कवर कर लिया है आज, बस एक भूखा बच गया जो मैं तौसीफ के साथ नहीं गया हूँ। बाकी हर जगह घूम ही लिया हम लोग, देव पेरी भी नहीं गए भाई, परसा खोला भी नहीं गए भाई, परसा खोला गए हैं, लेकिन परसा खोला की जगह कहीं और पहुँच गए थे। अरे गए हैं भाई, वो परसा खोला ही है, परसा खोला वही था ना। तो जो भी कोरबा आता है भाई, सब लोग ये सब जगह एक्सप्लोर किया करो। ऐसा मत सोचा करो कि कोरबा सिर्फ निहारिका तक ही सीमित है। मुझे भी अभी कुछ ही साल पहले पता चला कि सतरंगा की अभी आगे भी दुनिया है, नहीं तो उसके पहले तक तो मैं भी सोचता था। और बाकी प्रभात प्रसाद ने बिस्किट खिला दिया बंदर को, अब हनुमान जी की कृपा हम सबको बनी रहेगी। क्या बोलते हैं, पहाड़ दिखाओ भाई, पहाड़ तो ऐसे पहाड़ दिखाओ, पहाड़ पहाड़ चाय में जाते हैं। अबे पहाड़ दिखा तो पहाड़ कैसे दिखा? सकल दिखा।